गुड मॉर्निंग बच्चों, हम बनाना सीखेंगे आज हल्दी से पेंटिंग। इसके लिए हमें चाहिए एक पेपर, उसके साथ एक पेंसिल, फिर एक रबर, एक ब्रश मोटा, एक पतली ब्रश, उसके साथ जो सोप वॉशिंग सोप होता है, मतलब कपड़े धोने वाला साबुन वो, और थोड़ी सी हल्दी। इसके द्वारा आज हम अपनी आर्ट बनाना सीखेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी भी हमें ज़रूरत लगेगा। जैसा कि मैंने आपके लिए पहले से एक फ्लावर यानी फूल का चित्र बना के रखा हुआ है एक कागज़ पे आपकी सुविधा के लिए, आप भी अपनी मनचाही जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं वो बना सकते हैं। फिर इसके बाद हल्दी को पतला घोल बनाकर मोटे वाले ब्रश से सारे फ्लावर पर हल्दी से ब्रश कर लें। जहाँ जहाँ आपको ब्रश से टेक्चर्स देना है, जहाँ जहाँ आपको ड्राइंग करनी है, मतलब उसको एनहांस करना है, वहाँ वहाँ आप पहले हल्दी का बेस इस पर लगा दें। पतला हल्दी का ये घोल हमने जो बनाया है वो हम ब्रश की सहायता से अपनी जो हमारा फ्लावर बना हुआ है फूल यानी, उस पर हम हल्के हल्के हाथों से लगा देंगे। उसकी चाहे वो डंडी हो या फूल हो, फूल के अंदर का एरिया सभी हम पहले हल्दी से कवर करेंगे। हल्दी कैसी है हमारे पास? पतली हल्दी, पानी के साथ पतली हल्दी का घोल बनाकर हम इसको अपने ब्रश की सहायता से, पेंटिंग वाला जो ब्रश होता है उसकी सहायता से ब्रश करके उसको ब्रश करेंगे। पूरे फूल को इस प्रकार हम कलर करने के बाद जो भी हमारी आउटलाइन एरिया है या जिसको भी जो टेक्सचर्स हम देना चाहें अपनी चारों आउटलाइन बॉर्डर पे, उसको भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी जो बॉर्डर हैं, कोई भी बॉर्डर में डिज़ाइन देना चाहते हैं तो पहले बॉर्डर पे हल्दी का घोल जो हमने लगाया है वो ब्रश की सहायता से चारों तरफ हम टेक्सचर्स के रूप में दे सकते हैं, शेडेड के रूप में, हाफ टेक्सचर्स, जैसे येलो टेक्सचर भी हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद हम लेंगे जो हमारा वॉशिंग सोप होता है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा करके हुई उसके कोई टुकड़े का घोल पानी के साथ उसको मिलाकर घोल बनाकर उसको हम ब्रश की सहायता से अपने जो फ्लावर है, फूल बना हुआ है, उस पर ब्रश चारों तरफ कोने में करेंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने ब्रश को हल्दी के ऊपर लगाया तो इसका कलर बदलने लगा है। यही हमारा कलर बॉर्डरिंग का काम करेगा। इसको हम अपनी चारों तरफ पहले पत्तियों में, फिर उसके तने में और फिर उसके फूल में ऐसे ही बनाते जाएंगे। सोप ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा सोप का पेस्ट लगा के पतले ब्रश की सहायता से हम अपने जो फूल या पत्ती जो बनाया है उसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हमको ये बनाना है। हल्के हल्के हाथों से बनाने से ये होगा कि जो हमारा सोप है वो कहीं बाहर नहीं निकलेगा। फिर हम अपनी जो हमारी पौधे की तना होता है उस पर हम नीचे जड़ों के पे और तनों पे लगाएंगे सोप का घोल। सोप का घोल धीरे धीरे आराम से बहुत ही सावधानी से हमें इसका प्रयोग करना है जिससे कि ये बाहर ज़्यादा ना निकले। माना कि आप छोटे बच्चे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत बाहर निकल जाए, पर प्रैक्टिस करके करते हुए आप इसको धीरे धीरे और बना सकते हैं। ब्रश पे अच्छे से सोप का घोल लेते हुए आप इसको बनाएं, फिर फ्लावर के चारों तरफ भी आप इसको कर सकते हैं। जो फ्लावर्स की पत्तियां बनी हुई हैं उस पर आप बनाएं। फिर हमारे जो चारों तरफ बॉर्डर है उसको भी हम टेक्सचर्स के रूप में दे सकते हैं। तो आप कैसी भी डॉट डॉट या शेडेड लाइनिंग बनाना चाहें तो वैसे भी बनाएं। बस ध्यान रखें कि आपको जो भी ये सोप का घोल है वो हल्दी के ऊपर चलाएं। हल्दी के ऊपर चलाने से इसका टेक्सचर्स यानी इसका कलर निखर के आता है। इस प्रकार हम किसी भी तरीका शेडेड
बना सकते हैं, चाहे हम पत्तियों के अंदर भी इसको थोड़ा सा शेड दे सकते हैं, जिससे हमारी पत्तियां भी और फूल भी हमारे बाहर निखर के आ सकते हैं, दिखने में ये और सुंदर लग सकते हैं। इस प्रकार हमारी पेंटिंग बनके तैयार हो सकती है। आप भी बनाएं, घर में बनाएं। थैंक यू।